हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको चेहरे की झाइयाँ और झुर्रियों को हटाने का एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी। इस नुस्खे से फ्रेंड्स आप एक ही बार में अपने चेहरे की झाइयाँ और झुर्रियों को हटा सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम बढ़ती उम्र के कारण हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ आने लग गई हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम उस उम्र में भी जवान और सुंदर दिखना चाहते हैं। अगर आप अपने चेहरे की झुर्रियाँ और झाइयों से छुटकारा चाहते हैं, या फिर दूसरी ओर अगर आपकी कम उम्र है, आपके गलत खान पान से और आपका ज़्यादा धूल पॉल्यूशन में रहने से, ज़्यादा बाहर काम करने की वजह से आपकी स्किन एकदम से डल हो गई है और उसके ऊपर झुर्रियाँ आ गई हैं या फिर झाइयाँ हो गई हैं और आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगी, इन चीज़ों की सहायता से आप एक ही बार में अपने चेहरे पर आई झाइयाँ और झुर्रियों को हटा सकते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा जीरा का। फ्रेंड्स, किचन में जो जीरा आप यूज़ करते हैं सब्जी बनाने के टाइम पे, आपको उसी जीरे का यूज़ करना है। और दूसरा, आपको थोड़ी मात्रा में जीरे को लेकर उसे पीस लेना होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने जीरे को पीस लिया है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपको जीरा पीस लेना होगा। आपको बहुत ही कम मात्रा में जीरे का यूज़ करना है। इसके बाद अब आपको यूज़ करना होगा एक लेमन। फ्रेंड्स, बहुत से लोग कहते हैं कि मैम मेरी स्किन के ऊपर लेमन सूट नहीं करता है, हमारी स्किन पर जलन होती है। अगर आपको इस तरह की समस्या है तो आपको एक नींबू लेना है। इस नींबू के छिलके का आपको यूज़ करना है। फ्रेंड्स, नींबू का छिलका भी उतना ही कारगर होता है जितने कि नींबू का रस, लेकिन ये नींबू का छिलका आपकी स्किन को बिल्कुल भी जलाएगा नहीं और आपकी स्किन को नुकसान भी नहीं करेगा। आपको नींबू में से इसके रस को निकाल लेना होगा और इसके अंदर का जो वाइट गुद्दा होता है वो भी निकाल लीजिए। इसके बाद आप इस नींबू के छिलके को बारीक पीस लीजिएगा और उसके बाद आपको इसका यूज़ करना है। सबसे पहले आपको लेना होगा एक क्लीन बाउल और इसके बाद अब आपको इसमें ऐड करना होगा आधा चम्मच पिसा हुआ जीरा। जीरे को ऐड करने के बाद अब आपको इसमें ऐड करना होगा विटामिनी कैप्सूल। आपको फ्रेंड्स इवॉन कंपनी के 400 mg का विटामिनी कैप्सूल इसमें ऐड करना होगा। विटामिनी कैप्सूल फ्रेंड्स हमारे चेहरे पर आई झाइयाँ और झुर्रियों को हमेशा के लिए हमारी स्किन से हटा देता है और हमारी त्वचा को एकदम यंग और खूबसूरत जवान बना देता है। अब आपको इसमें ऐड करना होगा नींबू के छिलके का पेस्ट। आपको इसमें एक नींबू के छिलके का पेस्ट ऐड कर देना होगा। नींबू के छिलके का पेस्ट ऐड करने के बाद अब आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है फ्रेंड्स एलोवेरा जेल। अगर आपके पास एलोवेरा जेल का प्लांट है तो आप वहाँ से भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं, या फिर मार्केट में बढ़िया कंपनी का, अच्छी कंपनी का एलोवेरा जेल भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको इसमें आधे चम्मच के लगभग एलोवेरा जेल को ऐड करना होगा। एलोवेरा जेल को ऐड करने के बाद अब आप इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आपको इसे अपने फेस पर लगाना होगा। अगर आपके फेस पर झुर्रियाँ बहुत ही कम है तो आप इस पेस्ट को उस हिस्से पर लगाइए जहाँ पर भी आपके झुर्रियाँ हों, और अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा मात्रा में झुर्रियाँ हैं, झाइयाँ भी हैं, तो आप इसे अपने पूरे फेस पर लगा लीजिए और इसे अपने चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक लगाकर रखें। आपको किसी भी तरह की कोई मसाज नहीं करनी है, सिर्फ इसका एक बार यूज़ करके देखिए और देखिए कि आपके चेहरे की झाइयाँ और झुर्रियाँ कैसे गायब हो चुकी हैं। और अगर आप बढ़ती उम्र में जा रहे हैं और जिसके कारण आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ गई हैं, तो आपको इसे वीक में एक बार और 15 दिन में 2 बार यूज़ करना होगा। इसके यूज़ से आपके चेहरे की झुर्रियाँ और झाइयाँ हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। आप इसका यूज़ कीजिए और अपने चेहरे की झाइयों और झुर्रियों से हमेशा के लिए छुटकारा पाइए। तो ये था आज का मेरा नुस्खा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।